अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं एक पराठे वाले की दुकान पर जिनका नाम है हाफिज जी पराठे वाले। ये जो दुकान है पुरानी दिल्ली के ही एरिया में है, फराज खाना और नियारियन जगह का नाम है, जो जीवी रोड के अपोजिट पीछे पड़ेगी। हाँ, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सिर्फ और सिर्फ कबाब पराठा यहाँ मिलता है, ठीक है। बड़े का कबाब होगा और जो पराठा होगा वो रवे मैदे का होगा और दूध से बना हुआ होगा। मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ और बाकी हम अब इनसे पराठे लेते हैं, चखते हैं, फिर आपको बताते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही उम्दा कबाब पराठे मिलते हैं। ये देखिए, और माशाल्लाह भीड़ आप देख सकते हैं। ये देखिए, पराठे बनाने में ही 3 से 4 कारीगर लगे हुए हैं। इस हिसाब से आप सेल देख सकते हैं, माशाल्लाह कैसी है। और अंदर छोटी सी सेटिंग है बैठने की। ये देखिए, अंदर छोटी सी सेटिंग है जहाँ पर काम चल रहा है। ये इधर कबाब बन रहा है, यहाँ पे हाफ डन हो रहा है पराठे और यहाँ फुल डन। ये देखिए, और ये पराठे लग रहे हैं और ये कबाब। ये देखिए माशाल्लाह जी, मुझे पराठे ठंडे हैं। सेटअप माशाल्लाह, हाथ इनका बिल्कुल भी नहीं रुकता। भाई ये देखिए, बाहर तवा बहुत ही बड़ा लगा हुआ है जिसके अंदर कबाब और पराठे एक साथ सिक रहे हैं। और माशाल्लाह भीड़ बहुत ज़्यादा है। और इधर सेटअप देखिए, इधर पराठे का पूरा पेड़ है। आप पराठे बनाने की स्पीड देख रहे हैं माशाल्लाह, देख रहे हैं आप। ये देखिए, ये यहाँ पर अंदर छोटी सी ये पेड़ लगे हुए हैं और टाइम नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पर किसी के पास। ये देखो, ये इनकी लाल चटनी जो कबाब के ऊपर डाल कर देते हैं। और ये इनका कीमा जो कबाब का है माशाल्लाह। और भीड़ आप देख सकते हैं, भीड़ बहुत है। मैं दुकान के अंदर हूँ, दुकान में धुआं ही धुआं है और बाहर भीड़ देख रहा हूँ माशाल्लाह, भीड़ देख रहा हूँ। आपका नाम क्या है भाई? हमारा
हाफिज जी पराठे वालों के नाम से है। अच्छा, हाफिज जी पराठे वाले नाम से दुकान शॉप है। हाँ, मशहूर। कितने साल पुरानी है कम से कम? ये सन 82 से। सन 82 से, तो माशाल्लाह। हाँ, ज़्यादा ही होगा। तो एक घंटे में कितना पराठे सेल करते हैं मशहूर? तो काम के ऊपर है जितना। अच्छा, रमजान की टाइमिंग क्या है? रमजान की टाइमिंग यह है 1 बजे से 1 बजे तक, सुबह 1 बजे से। और कबाब किस चीज़ के होते हैं? ये कबाब जो है बड़े के गोश्त के होते हैं। हाँ, पराठा जो है आपका? पराठा रवा मैदा और दूध वगैरह डालते हैं, इसमें मसाले डालते हैं। देखिए जी, पराठे जो बनता है रवा मैदा दूध घी सबसे बनता है, और ये जो कबाब देख रहे हैं आप, और ये कबाब जो है बड़े के गोश्त के हैं, प्योर बड़े के गोश्त के। और माशाल्लाह यहाँ पर आप कभी भी आएँ आपको इतनी ही भीड़ मिलेगी, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार पराठे हैं सुना है जैसा मैंने। मैं भी फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ, और देखते हैं खाकर। दुकान छोटी सी है बिल्कुल, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेवी माहौल है, ये देखिए। चलिए हम पराठे का ऑर्डर कर देते हैं। ये हमारे पराठे और कबाब आ चुके हैं, ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह। आ जाओ ये देखिए माशाल्लाह। 3 से 4 पराठे लियो। पराठे देखिए लच्छेदार पराठे, बिल्कुल समझ रहे हैं बात को आप। और ये कबाब है, कबाब का साइज बहुत छोटा है, लेकिन कबाब बहुत ही ज़्यादा मुलायम और बहुत ही ज़्यादा टेंडर हुआ है, ये देखिए। चलिए पहले खा लिए कबाब चेक करते हैं। पता नहीं चला कबाब मुंह में आया और घुल गया। माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया कबाब है और बहुत ही मज़ेदार है, ना ज़्यादा मिर्चें हैं और ना ज़्यादा कोई चीज़ मसाले हैवी बन रहा है, बहुत ही सॉफ्ट मसाले और बहुत ही सॉफ्ट गोश्त है। अब एक पराठे के साथ और थोड़ी सी प्याज, पराठा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, ना पराठे के अंदर कोई ज़्यादा ऑयल और ना ही पराठा कोई ज़्यादा टाइट, बिल्कुल खस्ता पराठा और बिल्कुल नरम पराठा है। कबाब पराठा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा, ये देखिए देख रहा है माशाल्लाह। आप यकीन करके मानिए, पराठे इतने मज़ेदार है ना कि ये हमारा कम से कम 7वां 8वां पराठा है, और कबाब हम कम से कम खा चुके हैं 20 से 22 कबाब, और लग ही नहीं रहा कि हम पराठे कबाब, मतलब इतना लाइट और इतना टेस्टी कबाब टेस्ट है ना इसका, बहुत ही बढ़िया। क्यों भाई मुस्तकीम बताएं कैसा है? हसीन भाई नंबर 1 नियारिन, ये जो हमारे मोहल्ले जो नियारिन भाई फैजल, आप बताएं जैसे आप कबाब पराठे बहुत बढ़िया हैं, और मैं कई बार खा चुका हूँ, और आप भी आएँ तो मज़ा ले कबाब पराठों का। आप कभी भी पुरानी दिल्ली के एरिए में मोहल्ला नियारियन, अगर जीबी रोड की साइड है तो मोहल्ला नियारियन उसी के पीछे पड़ता है, इनका कबाब पराठा ज़रूर खाएं। ये शर्त कहता हूँ मैं आपसे कि अगर एक कबाब पराठा खाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आप खाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी है माशाल्लाह। बाकी आपको आपकी भाई की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मज़े मज़े की वीडियो आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिलती रहेंगी डेली बेसिस पे।
आप अपने भाई को याद दें, यानी फैज़ खान को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।